Sun is burning bright now. Feel the morning light now. Rise and seize the day. Hearts are beating faster. Life is what we're after. Nothing in our way. We will rise above. Feel the power of love. Lahore airport pe pahunch gaya aur raat ke takriban abhi koi बज रहे होंगे कोई 12:30 के करीब, और उसके बाद फिर बोर्डिंग हुई, और बोर्डिंग के बाद फिर जो थे वो ट्रेन में बैठे। ये लाहौर एयरपोर्ट का अंदर से थी अजरबैजान की एयरलाइन, नए जहाज़ थे, बहुत ही सुपर किस्म की फ्लाइट थी। मैं सारी रात का क्योंकि सोया नहीं था, टाइम नहीं मिला, इसलिए आप शक्ल देख सकते, मेरी थकावट लग रही। ये उनका एयरपोर्ट है, बाकू एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट है, हैदर अली एयरपोर्ट है उनका। ये इतना शानदार और इतना खूबसूरत, आप देख सकते हैं इसके 3 फ्लोर्स थे। जाते वक्त आप जो इधर से एग्ज़िट करते हैं बाकू से, तो 3rd फ्लोर पे एग्ज़िट है, और जो अराइवल है बाकू वो 2nd फ्लोर पे। और साथ में ये 4 घंटे की फ़्लाइट थी। खाना इनका अजीबो गरीब भी था, ठीक है। अगर मुझे वो तस्वीर मिली तो मैं किसी न किसी वीडियो में डाल दूंगा, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार किस्म का ये एयरपोर्ट बना हुआ है। ये एयरपोर्ट ही बर्थ सीइंग है, बहुत खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो 3rd फ्लोर पे जो डेकोरेशन है वो बहुत ही प्यारी है। जो 2nd फ्लोर था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, और जब हम 1st फ्लोर पर आते हैं या 2nd फ्लोर पर आते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो बेसिकली इसके जो थे ना 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर था, जिसको मैंने 3rd फ्लोर कह दिया। और अगर आप इसका जो बाहर वाला देखें एरिया, तो वो भी बहुत प्यारा है। और ये बाहर की ह्यूज पार्किंग स्टैंड है, यहाँ जैसे आप बाहर आते हैं एलिवेटर से या उतरते हैं एलिवेटर से नीचे, तो आपके पास सिम्स अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने, मेरे पास यूरो थे, तो मैंने कोई तकरीबन 100 यूरो के मनात ख़रीदे, वो तकरीबन मुझे 200 मनात मिले, नहीं 50 यूरो के मैंने मनात ख़रीदे तो मुझे 100 मनात मिले, ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ के बराबर है उनका एक मनात, पाकिस्तानी रुपयों के बराबर। तो मेरे पास यूरो थे तो मैंने 50 यूरो के मनात ख़रीदे, तो वो तकरीबन मुझे मिले कितने, 50 के 100, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त था। ऑलरेडी मेरी जो गाड़ी थी होटल की वो वेट कर रही थी, हम लोग जैसे पहुँचे तो मैंने सबसे पहले तो मनात चेंज कराई है, यूरो चेंज की है मनात में। उसके बाद फिर मैंने जो सिम खरीदी वहाँ से, वहाँ पर टाइम लग गया क्योंकि रश था, तो 25 जो थी मनात की सिम मिली मुझे 10 GB डाटा के साथ, तो वो 7 दिन तक चला, अच्छा था सारा कुछ, बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसके बाद आप देखिए ये बाहर की उसकी देखिए ज़रा सीनरी, एयरपोर्ट के बाहर का मंज़र बहुत ही खूबसूरत है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रियली इंप्रेसिव है, बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग्स है। आप जैसे जैसे वीडियोज़ को देखते रहेंगे, ये पूरी मैंने सीरीज़ बाकू की डाली है, बड़ी डिटेल डाली है ताकि आपको पता चले सारे रेट्स वगैरह। ये भी ये 2024 की ट्रिप है, तो आपको सारे लेटेस्ट रेट पता चलेंगे, और कैसे आप सेव कर सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास तो हमने थोड़ा सा ट्रिप लग्जरी किया था, तो मैंने सोचा कि अगर आप इसको इकोनॉमिकल करना चाहें तो हमारी जो ख़र्चा था उसको आप हाफ कर सकते हैं, इसको इतना हमने उसको ज़रा ऊपर किया था, क्योंकि हमने तो होटल की गाड़ी ही लेने आई थी। तो लेकिन अगर आप चाहें तो आपको बाहर निकले तो बाहर ऑलरेडी आपकी एक खड़ी होती है बस जो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाती है, तो वो 2 मनात में चली जाती है, आपको कार्ड बनाना पड़ता है एक बस का, ठीक है, जो कि 5 मनात के अंदर बन जाता है। इसके बाद आप चाहें तो उधर बोल्ट करा सकते हैं, उनकी टैक्सी जो है वो तकरीबन आपसे लेगी 15 से 20 मनात, और अगर जो जिस तरह की मेरी गाड़ी थी या प्राइवेट टैक्सी वगैरह, तो वो आपसे 20 से 30 मनात के अंदर
सिटी सेंटर चली जाती है। मेरा जो होटल है वो है तकरीबन मेन जो सिटी सेंटर है उससे 2.2 किलोमीटर के करीब है। एक जहाँ मैं था वहाँ से 2 किलोमीटर मैं किसी तरफ भी चलूँ तो कोई ना कोई बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन या टूरिस्ट पॉइंट आ जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। इनके प्लेन बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे ज़बरदस्त पायलट मुझे लगे, उन्होंने इतना प्यारा इसको टेक ऑफ किया, कोई थ्रस्ट नहीं, कोई झटका नहीं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जो लैंड भी किया तो उसने इतना सॉफ्टली स्लो ला के लैंड किया कि कानों में जो दर्द होनी थी वो भी ना होने के बराबर हुई। तो हम तकरीबन 4 घंटे पूरे में पहुंच गए थे। उसके बाद ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम लगा, तो मैं निकलते तकरीबन 7:30-8 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकला था। इसके अलावा जो इनकी प्लेन सर्विस थी बहुत अच्छा था, हर एक चीज़ अवेलेबल थी इसमें। आप चाहें तो बियर पिए, वाइन पिए, विस्की पिए, जूस पिए, ठीक है कि नहीं। खाने पीने में उन्हीं की चीज़ें थी, वो इतनी कोई टेस्टी नहीं थी, लेकिन जाहिर बात है हम लोग का वो टेस्ट डेवलप नहीं होता तो उस तरह से, हम लोग ज़रा मिर्च मसालों के आदि है, लेकिन इनका खाना बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त था। जैसे कि मुझे वीडियो मिली खाने की या पिक्चर मिली तो मैं डाल दूँगा। तो आप देखें एयरपोर्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिकिंग थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे इमिग्रेशन में टाइम लगा वो ज़्यादा पूरे इतने, आप सोचें कि 2 जहाज़ लगे थे, एक इस तरह से रेगुलर तकरीबन 25 के करीब या 25 से भी ज़्यादा उनके पॉइंट्स थे जो चेक इन चेकआउट के होते और इमिग्रेशन के होते। तो विद इन मिनट्स उन्होंने हमें एक प्लेन को इस पहले 20 में और दूसरे प्लेन को दूसरे जो 25 उनके टेक केयर करते पॉइंट्स वहाँ से उन्होंने क्लियर किया। याजर भाई जान को मैंने सेम दी और 1 मिनट जस्ट 1 मिनट ये गाड़ी लेने आई है, मैं होटल की गाड़ी है ये लेने आई है होटल तक एयरपोर्ट से। वेरी ब्यूटीफुल सर्विस बाय द होटल एंड वेरी ब्यूटीफुल इस बिल्डिंग एंड बाकुइस। तो मैं फिर उसके साथ बैठ के आ गया, तो मैंने कोशिश की कि आपको उनकी रूट्स की दिखाई दे। देखे 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 4 लेन्स रोड है, और यहाँ पे जैसे मैं बैठा तो मुझे तो लगा ड्राइवर मेरे जैसा ही है, क्योंकि मैंने भी कभी ड्राइविंग के दौरान मुश्किल ये कि मेरे से किसी ने मुझे ओवरटेक किया हो, ज़्यादातर मैं ही करता था। ड्राइविंग मेरी भी बड़ी ज़रा स्पीडी है, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही तेज़ ड्राइविंग की, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में अन्नी डाल दी, अन्नी पै गई, इतनी स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई। डर ही लगता रहा मुझे, लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ते में देखते रहे तो बहुत ही खूबसूरत रोड्स थे, बहुत ही खूबसूरत उनके पार्क्स थे, बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं कि बंदा हैरान हो जाता कि इतनी बिल्डिंग्स हैं, ये करते क्या है। और ज़्यादातर इनके अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, होटल्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है। साथ ही इनके जहाँ मैं पहुँचूँगा तो मेरे घर से या मेरे होटल से जो सी साइड थी वो तकरीबन 2 किलोमीटर्स के पास थी, तो मैं तो कई जगहों पे पैदल भी चला गया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे लिए तो वॉक रूटीन वॉक होती है, तो वो ही लगी मुझे कई जगह पे। ज़्यादातर हमने बोल्ट वगैरह यूज़ की, इसलिए ज़रा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए। आप चाहें तो पैदल भी बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। अब रास्ता आप देखते रहें, मैंने जानबूझ के लिए वीडियो पूरी या जितनी भी बनी है डाली हुई है, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए मेहनत करते हैं और कैसी ऑनेस्टी के साथ उसको डेवलप करते हैं। इसलिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और अब तो शायद दुबई से भी ज़्यादा लोग इधर जाना शुरू हो गए हैं। बहुत ही प्यारा है, जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। और मज़े की बात है कि दुबई में तो बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पर गर्मी नहीं थी, टेम्परेचर वॉज वेरी माइल्ड, हवा बहुत ज़बरदस्त थी। ये बस है जो एयरपोर्ट से जाती है सिटी सेंटर, और ये तकरीबन 2 मनास में चली जाती है वहाँ पे। तो अच्छा खासा मेरा तो
अगर आप बस पे जाएंगे तो 40 मिनट लगेंगे, तो जो मेरे जैसी गाड़ी थी तो उसने तो 20 मिनट लगाए थे, उसने बहुत स्पीड से चलाई। आप देखेंगे कि शायद हमें शायद ये है कि हमें किसी ने ओवरटेक किया, मुझे याद नहीं है। ठीक है, पूरी राइड्स के दौरान, पूरी ड्राइव्स के दौरान मुझे शायद एक ही गाड़ी ने ओवरटेक किया हमारी गाड़ी को, और ये तो बंदा एयरपोर्ट से जो होटल लेके जा रहा था बहुत ही स्पीड से चला रहा था, बहुत ही तेज़। तो मैं तो डर भी रहा था साथ साथ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि सब कुछ बड़ा शानदार था और बहुत ही अच्छा था। आप देखें और इन्जॉय करें, साथ साथ म्यूजिक को भी इन्जॉय करें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।
the stars align. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, lost defined. Caught in the spell of the cosmic night. The fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the as we twirl in the magic of the cosmic light. होटल पहुंच चुके हैं और ये 30 मंजिला को बिल्डिंग थी और इसके करीबी मार्केट थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और जो भी चीज़ आप चाहे फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं। ये देखिए कितना ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और फिर मैं सुबह यहाँ पे होटल में 8 बजे पहुँच गया था, हालाँकि चेक इन 12 बजे होता है, तो मैं 8 बजे पहुँच गया था तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया चेक इन के लिए और आई एम थैंकफुल टू देम। और उसके बाद ये मैं स्ट्रीट पे निकला, अपनी जो मेन हसन सुलेमानी स्ट्रीट थी वहाँ पे होटल था। तो उसके बाद फिर मैं इधर रेस्टोरेंट में गया और नाश्ते के लिए मैंने कुताब खाया और साथ में प्याज और साथ में छोटी सी चीज़ है येलो सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो इतनी टेस्टी थी, मैं तो बहुत इसका फ़ैन हो गया। मैं फिर घर के लिए भी वो एक उनका पैकेट खरीद के लाया, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। बेसिकली वो शुगर थी इन डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। तो अदर यू कैन पुट दैट इन योर टी और यू कैन कीप दैट इन योर माउथ एंड हैव अ सिप टू सिप ऑफ टी, तो इट विल मेक इट टेस्टी। एक कुताब मंगवाया है मैंने खाने के लिए, भूख लग गई थी तो मैं कहा चलो साथ चाय पीते साथ कुताब मंगाते तो देखते क्या बनता है। शानदार था ये रेस्टोरेंट के अंदर की आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत था ये। और सुबह सुबह मैं आया तो वीडियो मैंने बजाय हॉरिजॉन्टल बनाने के वर्टिकली बना दी, मुझे ख्याल नहीं रहा।
तो ये टीचिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और ये वो कैंडीज टाइप चीज है जो शुगर कोटेड होती है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और इसके बाद फिर मैं अपने होटल में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर लंच करके तो मैं अगली जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे है, ये अपने मेरा रूम है तो जो सेकेंड हाफ है उसमें मैं चला गया हाईलैंड पार्क। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, जो इसकी सेकेंड एपिसोड है वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी कि वो कितना खूबसूरत व्यू है उसका, सी साइड है, सारी जो दिन और रात का फ्लेम टावर्स है वो भी आपको नज़र आएंगे। तो आई विजिटेड दैट, मैंने उसका लंच खाया, ये बहुत ही मज़ेदार था। मैंने दो खाए क्योंकि बहुत ही टेस्टी थे और ये बहुत ही हैवी होता है, एक में मीट था और एक में वेजिटेबल्स थे और साथ में योगर्ट था। और ये ड्रिंक्स आपको नज़र आते हैं बेसिकली सॉल्ट होता है और कोई इसमें नमक मिर्च नहीं होती, बहुत ही एनर्जेटिक होता है कि बंदा खा ले तो मैं तो दो खा जाता। तो लंच के बाद मैं निकल गया फ्लेम टावर्स के लिए, तो ये मेरा जो दूसरा एपिसोड होगा अज़रबैजान की सीरीज़ का, उस पर आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, because your appreciation is a good motivation for us. Thank you and God bless you. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight.